बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वन टीवी और अब तक के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं इरफान इम्तियाज और मैं हूं अनम नकवी। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। कसूर में पेपर मिल्स में लगी खौफनाक आग पर काबू ना पाया जा सका, दो मजदूर जान भाग, 15 जख्मी। आग फिनिशिंग हाउस में सिलेंडर फटने से लगी, आग ने पूरी फैक्ट्री को लपेट में ले लिया, कई किलोमीटर तक धुआं फैल गया। आग की शिद्दत से एक शेड गिर गया। आग पर काबू पाने के लिए लाहौर और ओकाड़ा से भी फायर ब्रिगेड तलब कर ली। कोरोना वायरस के वार जारी, मुल्क में मजीद 47 अफराद जान से गए। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 3914 नए मरीज रिपोर्ट हुए। केसेस की मुस्बत शरह 7.1% रही। कोरोना के 1716 मरीज इंतहाई निगहदाश्त में जेर इलाज हैं। अमरीकी ऑयल जखायर में कमी से आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत बढ़ गई। अमरीकी WTI खाम तेल 30 सेंट महंगा, फी बैरल कीमत 91.55 डॉलर हो गई। बरतानवी बर्नेट खाम तेल 77 सेंट महंगा होकर फी बैरल 79.66 डॉलर पर पहुंच गया। तेल, गैस और कोयले से चांद छूटने की उम्मीद पैदा हो गई। सूरज जैसी तवानाई जमीन पर पैदा करने के लिए न्यूक्लियर फ्यूजन का कामयाब तजुर्बा। बरतानवी साइंसदानों की अमली न्यूक्लियर फ्यूजन की तैयारी में अहम पेशरफ्त। ज्वाइंट जोरपिटोरस लेबॉरेटरी ने तजुर्बाती तौर पर 59 मेगाजोल्स तवानाई पैदा की। पहली बार एटम को तोड़ने के बजाय उन्हें जोड़कर तवानाई पैदा की गई। यूरोप से 48,000 से ज्यादा साइंसदानों ने इस तजुर्बे में हिस्सा लिया। मुस्तकबिल में जमीन पर सस्ती और साफ तवानाई का हसूल मुमकिन हो सकेगा। हेडलाइन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।